वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिफ्ट स्किन कॉम्बो फॉर हाइड्रेटेड प्लम एंड रेडियंट स्किन। तो इस प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्यों मैंने इस प्रोडक्ट को चूज करा। बिकॉज हमारे स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने स्किन की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि किसी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है हाइलुरोनिक एसिड, किसी में सैलिसिलिक एसिड, किसी में रेटिनॉल, तो किसी में विटामिन सी। तो इन प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हमें इन सब का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो चलिए अब मैं एक एक करके हर एक का इम्पोर्टेंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड से। हाइलुरोनिक एसिड कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। इसका काम है आपके स्किन के माइक्रोपोर्स में घुस जाना एंड वाटर को रिटेन करना, जिससे आपकी स्किन लुब्रिकेटेड रहे, मॉइस्ट रहे, प्लम्प रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी स्किन में जितनी भी फाइन लाइंस हैं एंड रिंकल्स हैं वो हट जाएंगे, आपकी स्किन रेडिएंट लगेगी, क्रिस्टल क्लियर लगेगी और प्लम्पी लगेगी। अब बात आती है सैलिसिलिक एसिड या कोजिक एसिड की। इन एसिड्स का काम होता है आपके स्किन टोन को लाइट करना। सैलिसिलिक एसिड आपके पिंपल्स को क्योर करता है। कैसे क्योर करता है, आपके स्किन में सीबम होता है, सीबम का अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो आपके स्किन में ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। सैलिसिलिक एसिड इस सीबम के प्रोडक्शन को कम कर देता है। एज ए रिजल्ट आपके कम पिंपल निकलते हैं एंड आपका फेस क्लीन एंड क्लियर रहता है। अब मैं बात करती हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट एंड क्लियर रखता है। कैसे, ये आपकी स्किन को यूवी रेस के डैमेज से बचाता है, जिससे आपकी स्किन की डलनेस निकल जाती है एंड आपकी स्किन ब्राइट एंड क्लियर लगती है। आपकी स्किन सिर्फ हार्मफुल सन रेज से डैमेज नहीं होती, वो आपके घर में यूज हो रहे ट्यूबलाइट या बल्ब से निकलने वाले रेज से भी डैमेज होती। अब बात आती है रेटिनॉल की। रेटिनॉल आपके ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, जिससे कि कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि आपके डार्क स्पॉट्स या पिंपल्स कम होते हैं एंड आपका फेस क्लियर एंड ब्राइट लगता है। तो ऑलमोस्ट इन सब का काम एक जैसा ही है, तो बहुत से लोग इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। बट जब आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करें तो आप मेक श्योर करें कि आप हाइलुरोनिक एसिड को कभी भी रेटिनॉल के प्रोडक्ट के साथ यूज ना करें। इससे आपके स्किन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप हाइलुरोनिक एसिड को विटामिन सी के प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैंने नायका से परचेज किया है ऑफ प्राइस 999। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्यों मैंने ये किट ऑर्डर करी है। अभी विंटर्स चल रहे हैं एंड विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, एज अ रिजल्ट ब्रेकआउट्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं एंड उनके कारण मेरे चेहरे पे काफी निशान भी रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये हाइड्रेशन किट ऑर्डर की है। हम सब दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी तो जरूर पीते हैं, बिकॉज हम ये जानते हैं कि अगर हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें तो हमारी स्किन ग्लोइंग एंड रेडिएंट रहेगी। तो ये हाइलुरोनिक एसिड का भी यही काम है। ये आपके स्किन के माइक्रोपोर्स में घुसकर आपके स्किन में वाटर को रिटेन करता है। एज अ रिजल्ट आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, रेडिएंट रहती है एंड वो ग्लो करती है। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं अपने डेली केयर स्किन रूटीन में शामिल करती हूँ, इनको मैं मॉर्निंग रूटीन में यूज करती हूँ एंड लॉरियल ये क्लेम करता है कि अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज करो तो आपको 1 वीक में सुपर सॉफ्ट स्किन मिल जाएगी एंड आई थिंक इट्स वर्थ द क्लेम। तो सबसे पहले मैं इस क्लींजर से अपने स्किन को क्लीन कर लेती हूँ। छोटी सी क्वांटिटी ही काफी होती है मेरी स्किन को क्लीन करने के लिए। उसके बाद मैं 1 से 2 ड्रॉप सीरम अपने फेस में अप्लाई करती हूँ। देन उसके बाद मैं इस क्रीम को अपने फेस में अप्लाई कर लेती हूँ। देन आई एम गुड टू गो फॉर द डे। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ।
जैसा आप देख सकते हैं ये पैकेट्स काफी छोटे हैं साइज में। ऐसा इसलिए है बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं इनको ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने इनके छोटे पैकेट्स ही ऑर्डर किए। कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, ये रिवाइटल का हाइड्रेटिंग जेल क्लिंजर है। ये 50 ml आता है और प्राइस 175 rupees। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जेल फॉर्म का क्लिंजर है, फेस वॉश नहीं। क्लिंजर फेस वॉश से बेटर ऐसे होते हैं कि जो क्लिंजर होते हैं वो क्रीमी फॉर्म के होते हैं, तो जब आप उनको फेस में अप्लाई करेंगे तो वो इजिली स्प्रेड हो जाते हैं, प्लस जब आप उसको फेस वॉश करेंगे तो वो आपके स्किन को ड्राई नहीं बनाते। तो काफी टाइम से मैं एक अच्छा फेस वॉश ढूंढ रही थी बिकॉज जो नॉर्मल फेस वॉश होते हैं वो मेरे स्किन को बहुत ही ड्राई एंड इची बना देते हैं, जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। थैंक गॉड आई फाउंड दिस बिकॉज ये मेरे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, साथ ही उसे स्मूथ भी बनाता है। इस प्रोडक्ट का मैं डिटेल रिव्यू आपको अगले वीडियो में बना के दूंगी। इतना तो श्योर है कि इसको मैं लाइफ टाइम यूज करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरे फेस पे बहुत ही जेंटल है, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है। एंड इसको यूज करने के बाद मुझे अपना फेस इतना सॉफ्ट लगता है कि मैं इसको बार बार टच करती हूँ कि वाओ इट्स सो सॉफ्ट। तो चलिए अब मैं इस क्लेंजर को दिखाती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही जेल फॉर्म में है एंड ये इजिली स्प्रेड हो जा रहा है। इसकी छोटी सी ही क्वांटिटी काफी होती है आपके कंप्लीट फेस के लिए। हमारा सेकंड प्रोडक्ट है रिवाइटल लिफ्ट का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इस सीरम की ये खासियत है कि इसमें 1.5% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है, जिससे कि आपकी स्किन 42% ज्यादा रेडिएंट होगी। ये 15 ml का बॉटल आता है ऑफ प्राइस 500 rupees। देखने में तो ये बॉटल बहुत छोटा सा लग रहा है एंड लग रहा होगा यार 500 में इतना छोटा बॉटल, बट ट्रस्ट मी ये एक बॉटल आपका आराम से 30-45 days तक चलेगा ही चलेगा बिकॉज मुझे इसे यूज करते हुए 20 days हुए हैं एंड आप इसको देख सकते हैं ये बॉटल अभी इतनी ही एम्प्टी। कमिंग टू द फेस सीरम, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1-2 drops काफी होता है एंड ये इजिली स्प्रेड हो जाता है आपके फेस पे। हमारा लास्ट प्रोडक्ट है रिवाइटल लिफ्ट का हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम। ये 15 ml का बॉटल आता है ऑफ प्राइस 500 rupees। ये काफी छोटी सी बॉटल है एंड ये आता है ऑफ प्राइस 500 rupees। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आप जब इसको यूज करेंगे देन यू विल फील इट्स वर्थ द प्राइस। कमिंग टू द क्रीम, अगर आप देखेंगे तो ये वाइट टेक्सचर की क्रीम है। फ्रेग्रेंस वाइज इसका स्मेल बहुत अच्छा है। अगर आप छोटी सी भी क्वांटिटी लेते हैं तो ये इजिली स्प्रेड हो जाता है। लॉरियल पेरिस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन फ्री तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ वो टेस्टेड होते हैं ऑन एशियन स्किन। वैसे भी आई एम अ बिग टाइम फैन ऑफ लॉरियल पेरिस प्रोडक्ट। लॉरियल पेरिस के जितने भी फेस प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट वो इफेक्टिव भी होते हैं एंड विंटर्स के लिए ये जो स्किन केयर रूटीन है आई फाइंड इट टोटली वर्थ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।